क्वींस, एक बार की बात है, तुम्हारी मेरी तरह एक क्वीन थी। उसने एक बड़ी सुंदर सी ड्रेस खरीदी और जाकर अपने कमरे में रख दी। थोड़ी देर बाद काम करते करते जब उसका दोबारा से ध्यान अपनी ड्रेस की तरफ गया तो उन्होंने देखा कि उनका बच्चा उस ड्रेस पर कुछ लिखने की कोशिश कर रहा था पेन से, और दूर से देखते हुए उस ड्रेस पर पड़े निशानों को देखते हुए उन्हें इतना गुस्सा आया और उसने जाकर अपने बच्चे को एक चमाटा दिया। साथ ही साथ बहुत सारी डांट भी मारी, जिसके वजह से बच्चा रोते रोते सो गया। बाद में गुस्से गुस्से में उन्होंने अपनी ड्रेस को देखा और जब उस स्क्रिबलिंग को पास जाकर पढ़ने की कोशिश करी तो उस पर लिखा था, मम्मा आई लव यू। ऐसा ही होता है ना क्वींस, हम लोग जब प्री मेड नोशंस के चलते, अपनी जजमेंट्स के चलते, पहले से ही अपने मन में किसी भी परिस्थिति, इंसान या चीज के प्रति एक विचार सेट कर लेते हैं, तो हमें पता नहीं चलता कि एक्चुअल में वो परिस्थिति हमें क्या देना चाहती है। वो इंसान अपने बदली हुई रूपरेखा से, अपने व्यवहार से, अपने आचार विचार से हमें क्या समझाना चाहता है। ब्रह्मांड किसी ना किसी वस्तु, परिस्थिति या किसी भी इंसान का रूप धरकर हमें किस तरीके से आज से अभी से एक बेहतर इंसान बनाने की कोशिश में लगा है, ये सब हम कभी भी जान नहीं पाते, क्योंकि हमारे मन में पहले ही वो विचार स्थगित हो चुका होता है, जगह ले चुका होता है। इसीलिए जरूरी है कि हम हर इंसान, हर परिस्थिति, हर चीज को बराबरी का मौका दें और उन्हें किसी भी तरह के लेबलिंग से बचा के रखें, ताकि हमारी सीख के, हमारे आगे बढ़ने के दरवाजे हमेशा के लिए खुले रहें। आई लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।